हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में आप सभी का स्वागत है एज यू ऑल नो दैट योर एग्जामिनेशन इज नियर बाय आपकी एग्जामिनेशन जो है एन टी नेट की वो बहुत ही नजदीक आ चुकी है बहुत ही कम बचा हुआ है, okay? so ये जो आपका यूनिट है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट नाइंथ यूनिट इसके ऊपर हम हंड्रेड प्लस एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो की आपके एग्जामिनेशन में भी कुछ एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ठीक है इन शॉर्ट दिस एंड वी एश्योर यू दैट डेफिनेटली दिस वीडियो विल हेल्प यू इन सिक्योरिंग मैक्सिमम मार्क्स इन योर यूनिट पीपल डेवलपमेंट एंड इनवायरमेंट एट द सेम टाइम इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन

तो जिनका एग्जामिनेशन अभी बाकी है उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है बहुत ही हेल्पफुल रहेगा अगर आपको इसका एक्सेस चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जिसका रेट है जिसकी फीस है जस्ट रुपीज फोर नाइन ओके सो डोंट वेस्ट योर टाइम ज्वाइन इट एज पॉसिबल एज अर्ली इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड इट विल बूस्ट योर रिविजन एज वेल एंड इफ यू वॉन्ट पीडीएफ फॉर पेपर टू जिसमें आपको थेरी एंड एमसीक्यूज ये दोनों मिल जाएंगे फॉर दिस फॉलोइंग सब्जेक्ट्स ठीक है तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जस्ट कॉन्टैक्ट ऑन दिस बिलो नंबर जिसकी फीस है जस्ट रुपीज ट्रिपल नाइन ठीक है फोर नाइन नाइन फॉर पेपर वन एंड ट्रिपल नाइन फॉर पेपर टू सो ज्वाइन दिस एज पॉसिबल एज आर ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ऑल्सो प्रोवाइडिंग फुल कोर्स फॉर योर पेपर वन प्रिपरेशन जिसमें सिक्सटी फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे विथ पीडीएफ सोल्यूशन एंड आंसर्स एलॉन्ग विद दिस टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस एमसीक्यूज आपको मिलेंगे ठीक है विद फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स Previous question paper test, जो कि 2011 से लेकर 2020 तक रहेंगे, along with all, uh, PDF notes भी आपको किए जाएंगे ठीक है? इसका है हजार बीस तक रहेंगे नौ सौ निन्यानवे इसकी फीस रहेगी जस्ट गो टू प्ले स्टोर एंड डाउनलोड अवर एप्लीकेशन दैट इज ग्लोबल ऑनड एड यूनिवर्सिटी और यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर ऑल्सो इंडिया इज ग्रेजुएटिंग फ्रॉम मेगा वैट्स टू गीगा इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज अ न्यू टारगेट फॉर द सोलर एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया बाई टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इंडिया जो है वो ग्रेजुएट कर रहा है मेगावैट्स टू गेगावैट्स में जो कि रीन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में होता है फिर इनमें से कौन सा टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के लिए इंडिया का टारगेट रहने वाला है ए ट्वेंटी गेगावैट्स बी फोर्टी गेगावैट्स सी हंड्रेड गेगावैट्स या डी थ्री फिफ्टी गेगावैट्स तो टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के लिए इंडिया का हंड्रेड गेगा टारगेट रहने वाला है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबमिटेड इट्स इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो कि आई कहा जाता है टारगेट्स टू यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन द दिस कंटेक्सट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आई टारगेट्स टारगेट है ये यूएनएफ को दिए थे तो इनमें से कौन से कॉन्टेक्ट सही है फर्स्ट टू रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जी डी पी बाय थर्टी थ्री टू थर्टी फाइव परसेंट बाई टू थाउजेंड थर्टी फ्रॉम टू थाउजेंड फाइव इलेवन सेकेंड है टू अचीव अबाउट फोर्टी परसेंट कम्युनिटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज बाय टू थाउजेंड थर्टी एंड थर्ड है टू क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ टू पॉइंट फाइव थ्री बिलियन टन ऑफ सीओ टू इक्वीवेंट थ्रू एडिशनल फॉरस्ट एंड ट्री कवर बाई 2030. तो इनमें से कौन से सही है इसका राइटर right है 1, 2, and से सारे ही सही है स्टडी ऑफ मैन इनवायरमेंट इंटरक्शन द स्टेटमेंट ऑफ मिस सैम्पल दैट ह्यूमन आर स्लोली द प्रोडक्ट ऑफ देयर इनवायरमेंट इज जो मानव पर्यावरण संपर्क के अध्ययन में सिम सिंपल का कथन है कि मनुष्य धीरे धीरे अपने पर्यावरण का उत्पाद है तो इनमें से कौन सा राइट है ए एन ओपिनियन एक राय बी अस एक पूर्वाग्रह सी अ फैक्ट जो कि एक तथ्य है या फिर डी अ वाइडली एक्सेप्टेड फिनोमिना व्यापक रूप से स्वीकृत घटना तो इसका राइट आंसर है अ फैक्ट जो कि एक तथ्य है अ हैबिटेड इज एक निवास स्थान है वो क्या है एन एरिया इनहेबिटेड बाय अ कम्युनिटी एक समुदाय द्वारा बसाया गया क्षेत्र बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ इकोसिस्टम जो कि परिस्थिति की तंत्र का एक छोटा हिस्सा होता है सी अ पर्टिकुलर एरिया इनहेबिटेड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स पौधों और जानवरों द्वारा बसाया गया एक विशेष क्षेत्र या फिर डी द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द स्पेसिफिक एरिया या फिर विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जीवों की संख्या इसका राइट आंसर है अ पर्टिकुलर एरिया इनहेबिटेड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड अ हैबिटेट बायोम इज अ नेचुरल कम्युनिटी ऑफ बायोम एक प्राकृतिक समुदाय है वो किस चीज का है ए प्लांट्स इन ज्योग्राफिकल एरिया बी एनिमल्स इन अ ज्योग्राफिकल एरिया सी ट्स एंड एनिमल्स इन अ ज्योग्राफिकल एरिया या फिर डी प्लांट्स इन आर्टिक रीजन अगर कोई हिंदी मीडियम से है तो हिंदी में ट्रांसलेशन दिया गया है आप वो पढ़कर अपना आंसर दे सकते हैं तो इसका राइट आंसर है प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ ज्योग्राफिकल एरिया उन्हें बायोम का नेचुरल कम्युनिटी भी कहा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रिसोर्सेज आर द मेन कार्बन सिंक्स एंड एब्जॉर्ब अप हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्स इनमें से कौन सा नेचुरल रिसोर्स एक मेन कार्बन सिंक है जो कि एब्जॉर्व करता है हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ए फॉरेस्ट बी ग्लेशियर सी ओशंस या फिर डी डेजर्ट तो इसका राइट right आंसर है ओशंस ओशंस जो होते हैं वो एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि कार्बन सिंक्स है जो कि हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्व कर लेते हैं ऑल द एनर्जी इन फूड चेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम खाद्य पदार्थ में जो कि एनर्जी होती है वो किस चीज से ओरिजिनेट होती है ए प्लांट्स बी सी सी सन एंड डी ऑल ऑफ दीज इसका राइट right आंसर है ऑल ऑफ दीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट इज अ पावरफुल ग्रीन हाउस गैस इज रिलीज्ड

इन द एनालिसिस ऑफ मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप प्रैग्मेटिक पॉसिबलिज्म इम्प्लाइज दैट ए देर इज़ नो लिमिट फॉर मैन टू एक्सप्लोइ द रिसोर्सिस ऑफ अर्थ मतलब मनुष्य को कोई लिमिट नहीं है एक्सप्लोइड करने के लिए रिसोर्सेस ऑफ अर्थ बी देर आर लिमिटेड पॉसिबिलिटीज टू एक्सप्लोर द अर्थ रिसोर्सेज या फिर मनुष्य को लिमिटेड पॉसिबिलिटीज है जो पृथ्वी के रिसोर्सेज है उसे एक्सप्लोर करने के लिए या फिर सी द मैन हैज टू वॉच एंड असेस द सिचुएशन एंड देन गो अहेड विथ रिसोर्स यूटिलाइजेशन या फिर आदमी को स्थिति को देखना और आंकना है और फिर जाना है संसाधन उपयोग के साथ आगे या फिर डी द मैन हैज टू कीप इन माइंड ओनली हिज बेसिक नीड्स वाइल प्लानिंग द हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ रिसोर्सफुल अर्थ या फिर संसाधन पूर्व पृथ्वी की क्षमता का दोहन करने के लिए योजना बनाए समय आदमी को केवल अपनी बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखना होगा इसका राइट right आंसर है देर इज नो लिमिट फॉर मैन टू एक्सप्लोइ रिसोर्सिस मनुष्य के लिए पृथ्वी के संसाधन का दोहरन करने के लिए कोई सीमा नहीं है कोई लिमिट नहीं है इसका राइट आंसर ए है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द बायोस्फेयर बायोस्फेयर में इनमें से क्या क्या इंक्लूडेड है ए हाइड्रोस्फेयर बी लिथोस्फेयर सी एटमोस्फेयर एंड डी ऑल ऑफ द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दबो ये सारे ही बायोस्फेर में अवेलेबल होते हैं ये एक एसर्सन रीजन का क्वेश्चन है एसरसन है नेचुरल सिंक सच एज ओशन एंड फॉरेस्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक्स नेचुरल सिंक्स जो कि एक ओशन एंड फॉरेस्ट है ये एक मेन कार्बन सिंक्स है इसका रीजन है आर्टिफिशियल डिपोजिट्स सच एज समेक्नोलॉजीज एंड केमिकल्स एब्सॉर्व एंड कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर एंड रिड्यूस इट्स कॉन्सेंट्रेशन इन द एयर तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन रीजन ये असरशन का नहीं है इसलिए अवर राइट आंसर इज बोथ ए एंड आर आर द करेक्ट स्टेटमेंट इन इंडिपेंडेंटली नेक्स्ट क्वेश्चन

वो किस चीज से कैरेक्टराइज किए जाते हैं ए डिसप्रोपोर्शनेट लार्ज इम्पैक्ट ऑन इको सिस्टम बी वेरी लेस्ट इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम सी नो इम्पैक्ट एट ऑल या फिर डी नन ऑफ दी एबो। इसका राइट right आंसर है डिसप्रोपोर्शनेट लार्ज इम्पैक्ट ऑन इको सिस्टम जो परिस्थितिक तंत्र पर बड़े प्रभाव का विरोध करती है अ पॉपुलेशन दैट इज एट इक्वलिब्रियम इज जनसंख्या जो संतुलन में है वो क्या है ए स्टेडीली डिक्रीजिंग जो कि स्थिर रूप में कम हो रही है बी स्टेडीली इंक्रीजिंग या फिर स्थिर रूप से बढ़ रही है सी इट्स नंबर इज ऑलमोस्ट स्टेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो कि समय की अवधि में इसकी संख्या लगभग स्थिर है या फिर डी इंटरमिक्सिंग रैपिडली विथ अदर पॉपुलेशन अन्य आबादी के साथ तेजी से हस्तक्षेप कर रही है इसका राइट right आंसर है इट्स नंबर इज ऑलमोस्ट स्टेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज अ प्रोड्यूसर्स इन अ फूड चेन इनमें से कौन सी कंसिडर करते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स है फूड चेन के ए एटोट्रॉफिक प्लांट्स बी हार्बीवोर्स सी कार्निवोर्स And D decomposers. The right answer is autotrophic plants. Under which of the following areas under Sustainable Development Goal and Million Development Goal match the most? A environment. B Poverty and Hunger. C Education and D Global Partnership. In Mese Conse points. जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में मैच करते हैं द राइट आंसर इज इनवामेंट द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट्सल्फ इज ग्राउंडेड एक्सप्लिसिटी इन द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इंक्लूडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वेलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन दैट आर द फाउंडेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर एंड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स

राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी लीव नो वन बिहाइंड एंड furthest टू रीच द फर्देस्ट बिहाइंड ग्रीन plants which कैन मेक देयर ओन फूड with द हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर termed एज जो कि पौधे हैं जिनके साथ अपना भोजन बना सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की सहायता के साथ ए हार्बिवोर्स बी कार्निवोर्स सी ऑटोट्रोप्स या फिर डी नन ऑफ द राइट एंसरीज ऑटोट्रोप्स ऑटोट्रोप्स जो होते हैं वो अपना खुद का खाना खुद बना सकते हैं वो फोटो सिंथेटिस के हेल्प से नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंगज बिन डिक्लेयर एज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनमें से कौन सा नेशनल एक्वेटिक एनिमल के नाम से डिक्लेयर किया गया है अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ए स्नो लेपर्ड बी गैंगस डॉल्फिन सी सी टर्टल एंड डी व्हेल इसका राइट आंसर है गैंगस डॉल्फिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट बायूएनडीपी स्टार्टेड फॉर इंप्लीमेंटेशन 2010, 2012, 2013 या फिर 2015. इसका राइट आंसर है 2015. 2015 से UNDP ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंप्लीमेंट करने शुरू कर दिए थे नेक्स्ट क्वेश्चन पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है ए ऑर्गेनिज्म इन स्पीशीज दैट आर कैपेबल ऑफ री प्रोड्यूसिंग Among the themselves B different species that can interbreed C collective members of a species living and interacting across the biosphere D some organisms that may not belong to any species. Is correct right answer? Hai. Collective members of a species living in interacting across the biosphere. The natural carbon sinks have a maximum limit of carbon dioxide absorption, which will be the cause when it is exceeded. A, ocean acidification. B, there is negative impact on corals, algae, shellfish, and mollusks. C, both A and B. D, there is no possibility of natural carbon sink limiting. The right answer is ocean acidification there is negative impact on corals algae shellfish and mollusks that means both a and b next question which of the following fluorinated gas has been added as the 7th greenhouse gas by united nations framework conventional on climate change is right answer hai. nitrogen trifluoride इंटेक ऑफ लीड में प्राइमरीली कॉज डैमेज ऑफ द लीड का इंटेक प्राइमरीली कॉज करता है डैमेज किस चीज में ए ब्रेन बी लंग सी लिवर या फिर डी किडनी द राइट आंसर इज ब्रेन लीड इंटेक ब्रेन को डैमेज कर सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस फॉर ऑल फूड चें इनमें से कौन सा बेसिस है फूड चेंज का ए कंज्यूमर्स बी प्रोड्यूसर्स सी डी कंपोजर्स या फिर डी नन ऑफ दबो द राइट आंसर इज प्रोड्यूसर्स निर्माता नेक्स्ट क्वेश्चन टोटल ऑर्गेनिक मैटर इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोम बायोटिक कम्युनिटी प्लांट्स या फिर बायोमास

ऑलवेज इन्वर्टेड जो हमेशा उल्टा रहता है वो एक एनर्जी पैरामिड कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन एज अ रिजल्ट ऑफ बायोमैग्निफिकेशन द सेकेंडरी कंज्यूमर ए द मोस्ट टॉक्सिक बी द लीस्ट टॉक्सिक सी नॉट टॉक्सिक्स एट ऑल या फिर डी नन ऑफ द है इसका राइट आंसर है द मोस्ट टॉक्सिक्स सबसे विषैला या फिर जहरीला नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट हार्मफुल एज अ नेचुरल कंपोनेंट ऑफ द एटमोसफेयर इनमें से कौन सा गैस एक के रूप में हानिकारक नहीं है जो कि वातावरण का प्राकृतिक घटक है ए कार्बन डाइऑक्साइड बी हाइड्रोजन सी नाइट्रोजन या फिर डी वाटर वेपर जो कि जल बाष्प होता है इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन मीनामाटा कन्वेंशन मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी इज अ ग्लोबल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मर्क्यूरी एंड इट्स कंपाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस टू थाउजेंड सिक्स टू थाउजेंड थर्टीन टू थाउजेंड सिक्सटीन

क्लाउड्स प्रिवेंट एस्केपिंग ऑफ हीट रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ या फिर डी क्लाउड्स बींग एट ग्रेट हाइट्स फ्रॉम द अर्थ एब्सॉर्व हीट फ्रॉम द सन एंड देन सेंड देस द अर्थ तो इसका राइट आंसर है क्लाउड्स प्रिवेंट्स एस्केपिंग ऑफ हीट रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ बादल प्रोसे उष्म से बचने से रोकते हैं द अर्बनाइजेशन प्रोसेस अकाउंट्स for the wind in the urban centers during nights to remain faster than that in rural areas b slower than that in rural areas c the same that in the rural areas d cooler than that in the rural areas the right answer is slower than that in rural areas next question if population growth फॉलोज अ लॉजिस्टिक कर्व देन द मैक्सिमम सस्टेनेबल येल्ड ए इज इक्वल टू हाफ द कैरिंग कैपेसिटी बी इज इक्वल टू द कैरिंग कैपेसिटी सी डिपेंड्स ऑन ग्रोथ रेट्स या फिर डी डिपेंड्स ऑन द इनिशियल पॉपुलेशन तो इसका राइट आंसर है द इक्वल टू द कैरिंग कैपेसिटी अधिवहंग क्षमता के बराबर है इक्वल है अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मीनामाटा डिजीज इनमें से कौन सा मेटल है जो कि मीनामाटा डिजीज से रिस्पॉन्सिबल है ए मर्क्यूरी बी कैडमियम सी क्रोमियम या फिर डी आयन तो इसका राइट right आंसर है मर्क्यूरी नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थ इज ऑफन स्ट्रक बाय सोलर इरप्शंस

फर्स्ट एंड सेकंड, दैट मींस दे डोंट अफेक्ट लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑन अर्थ इज रॉन्ग अ टेम्परेचर इन्वर्जन इज अ कंडीशन विन द एयर एक तापमान उल्टा स्थिति में है जब हवा क्या होती है ए नियर ग्राउंड इज लाइटर बी नियर ग्राउंड इज कूलर देन एयर एट द हायर एल्टीट्यूड सी नियर द ग्राउंड इज हॉटर दैट हायर एल्टीट्यूड्स या फिर डी नन ऑफ एबो। तो इसका दाइट right आंसर है नियर द ग्राउंड इज कूलर दैन एयर एट द हायर एल्टीट्यूड्स दैट टाइम द टेम्परेचर इन इज कंडीशन बिगनिंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ वॉट इज द सिक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर अर्थ के सर्फेस से शुरू करके एटमोस्फेयर के कौन से कौन से सिक्वेंसेस है ए स्टेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर लोनोस्फेयर एंड एक्जोस्फेयर या फिर बी ट्रोपोस्फेयर स्टैटोस्फेयर लोनोस्फेयर या एक्जोस्फेयर या फिर सी ट्रोपोस्फेयर स्टैटोस्फेयर लोनोस्फेयर या फिर डी नन ऑफ दी एबो तो इसका राइट सीक्वेंस होता है पहले ट्रोपोस्फेयर फिर स्टेटोस्फेयर फिर लोनोस्फेयर एंड देन एग्जोस्फेयर लोनोस्फेयर को मिजोस्फेयर भी कहा जाता है द मोस्ट डायनेमिक लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेटिक एंड वेदर कंडीशन इज अ ट्राइपोस्फेयर लोनोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर या फिर मिजोस्फेयर इसका राइट आंसर है ट्रोपोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर को द मोस्ट डायनेमिक लेयर ऑफ एटमोस्फेयर इन टर्म ऑफ क्लाइमेटिक एंड वेदर कंडीशंस कहा जाता है फॉलोइंगेयर ऑफ एटमोस्फेयर ओजोन जीरो थ्री गैस इज प्रेजेंट इनमें से कौन से लेटमोस्फेयर लेयर में ओजोन गैस अवेलेबल होता है ए स्ट्रेटोस्फेयर बी मिजोस्फेयर सी ट्रोपोस्फेयर या फिर डी नन ऑफ दी एबो इसका राइट right आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेअर का गैस होता है एनएम आयोग हैज रिलीज

इंडिया इंडेक्स जारी किया था जो कि सूचकांक सामाजिक आर्थिक और राज्यों पर राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करता है तो उस मूल्यांकन के रिलेटेड कौन सा राज्य फर्स्ट रैंक में आता है द राइट आंसर इज केरला नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज हैज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मैनग्रूव्स कवर इन द कंट्री इनमें से कौन से राज्य है या फिर यूनिट केंद्र शासित प्रदेश है जो कि मैनग्रोव कवर करते हैं अधिकतम प्रतिशत में ए गुजरात बी वेस्ट बंगाल सी अंदमान निकोबार एंड डी उड़ीसा द राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द एयर पोलिटेंट्स आर मेनली क्लासिफाइड एज जो एयर पॉलिटेंट्स होते हैं मेनली कैसे क्लासिफाइड किए जाते हैं ए पॉइंट सोर्स एंड नॉन पॉइंट सोर्स बी प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स सी नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूटेंट्स या फिर डी नन ऑफ दी एबो द राइट आंसर इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी ये दोन प्रकार में पॉल्यूटेंट्स को क्लासिफाइड किया जाता है द मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी एयर पोल्युटेंट्स ईज जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि एयर पोल्युटेंट्स के दो प्रकार होते हैं जो कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी होते हैं तो उनमें मेन डिफरेंस क्या है ए फॉर्मर कंटेंट्स वाटर मोलिक्यूल्स वाइल सेकेंडरी पोल्युटेंट्स डू नॉट बी प्राइमर एयर पोल्यूटेंट्स हैव मोर डायरेक्ट इफेक्ट ऑन ह्यूमन वेल्थ हेल्थ सी फॉर्मर आर या फिर प्राइमरी आर रिलीज डायरेक्टली इन टू द एटमोसफेयर वाइल द लैटर आर फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन इन द एटमोस्फेयर प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स आर फॉर्म्ड थ्रू फोटोकेमिकल रिएक्शन इन द सनलाइट वाइल सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स आर नॉट तो इसका राइट आंसर है सी फॉर्मर आर रिलीज डायरेक्टली इन टू द एटमोस्फेयर वाइल द लैटर आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल रिएक्शन इन द एटमोस्फेयर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एयर पॉल्युटेंट्स इनमें से कौन सा एक बेस्ट एग्जाम्पल नाम के नाम से जाना जाता है प्राइमरी एयर पॉलिटेंट्स का ए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम द बर्निंग ऑफ कोल बी सल्फर डाइऑक्साइड सी ओजन प्रोड्यूस्ड इन द फोटोकेमिकल स्मॉग या फिर डी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज थ्रू फोटोसिंथेसिस इसका राइट right आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम द बर्निंग ऑफ कोल जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है कोल या फिर कोयला बर्न करने के बाद निकलता है उसे कंसिडर किया जाता है बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलेस्ट्रेट द सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स अभी इनमें से कौन सा सेकेंडरी एयर पोलुटेंट कंसिडर किया जाता है ए CO2 released from the burning of coal B NO2 released from the burning of oil C ozone produced in the photochemical smog फोटोकेमिकल स्मोग या फिर डी नन ऑफ द एबो तो इसका राइट right आंसर है ओजोन जो कि प्रोड्यूस हुआ होता है फोटोकेमिकल स्मॉग में से उसे सेकेंडरी एयर पोलिटेंट्स का एग्जांपल कहा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉमन फीचर्स बिटवीन एनो टू

How are nitrogen oxides, sulfur oxides, and carbon oxides related? A. All of them are secondary air pollutants that contribute to global warming. B. All of them are primary air pollutants that contribute to acid deposition. C. All are air pollutants formed by combustion of fossil fuels. Daffy D. All of them are air pollutants that result in respiratory disease in humans. तो इसका राइट right आंसर है ऑल ऑफ देम आर प्राइमरी एयर पॉलिटेंट्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू एसिड डिपोजिशन नेक्स्ट क्वेश्चन एटमोस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स आर मेनली प्रेजेंट इन एटमोस्फेरिक पॉल्यूटेंट होते हैं जो मेनली किस में प्रेजेंट होते हैं ए लोनोस्फेर में बी स्ट्रेटोस्फेर में सी मिजोस्फेर में या फिर डी ट्रोपोस्फेर एंड लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में तो इसका राइट right आंसर है फेयर एंड लोअर स्ट्रेटोसफेयर में मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन लीड इज यूज एज एन एंटीनोकिंग एजेंट लीड इन पेट्रोल इट इफ़ेक्ट्स आवर जो कि हमें इफेक्ट करता है ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बी रेस्पिरेटरी सिस्टम में सी कार्डियक सिस्टम में या फिर डी स्केलेटल सिस्टम में तो इसका राइट right आंसर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में last question of today's mock test the chemical responsible for blue baby syndrome that is caused by restricted supply of oxygen to the brain is nitrates b sulfates c fluorides or d oxides so its right answer is nitrates thank you for today's session if you have not attended the previous mock test then please go and attend i have given the

जो सिल्क वम ब्रीडिंग होता है उसे सेरिकल्चर कहा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज नॉट ऑन द नर्मदा रिवर इनमें से कौन सा डैम नर्मदा रिवर के नर्मदा नदी पे नहीं बसा हुआ ए इंदिरा सागर प्रोजेक्ट बी महाबलेश्वर हाइडल पावर प्रोजेक्ट सी जोबाक प्रोजेक्ट एंड डी कोयना पावर प्रोजेक्ट द राइट आंसर इज कोयना पावर प्रोजेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन Photosphere is described as a lower layer of atmosphere, b visible surface of the sun from which radiation emanates, c wavelength of solar spectrum, d none of the above. And the right answer is visible surface of the sun from which radiation emanates, that is called photosphere. लोकेशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया इज शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ बिकॉज ऑफ इंडिया में जो शुगर इंडस्ट्रीज है वो नॉर्थ से साउथ में शिफ्ट क्यों हो रही है उसका रीजन क्या है ए चीप लेबर बी एक्सपांडिंग रीजनल मार्केट सी चीप एंड अबेंडेंट सप्लाई ऑफ पावर डी हाई एंड हाई शुगर कंटेंट इन शुगर केन इसका राइट आंसर है हाई गेल्ड एंड हाई शुगर कंटेंट इन शुगर गन साउथ में जो गन्नों की खेती होती है वो गन्नों में शुगर कंटेंट ज्यादा होता है इसलिए शुगर फैक्ट्रीज ऑफ नॉर्थ इंडिया आर शिफ्टिंग टू साउथ इंडिया द एरिया कवर्ड बाई फॉरेस्ट इन इंडिया इज अबाउट इंडिया का फॉरेस्ट एरिया कितना है ए फोर्टी सिक्स पॉइंट थर्टी टू परसेंट बी थर्टी थ्री पॉइंट फिफ्टी परसेंट सी 21.67% and D. 19.21%. And the right answer is 21.67%. India's oil bearing areas are mostly associated with the A. Plutonic rocks, B. Volcanic rocks, C. Sedimentary rocks, and D. Metamorphic rocks. The right answer is Sedimentary rocks. Which one of the following pairs is not correctly matched? कोटा चंबाल बी भुवनेश्वर महानदी सी जबलपुर नर्मदा एंड डी सूरत ताप्ती इसका राइट आंसर है भुवनेश्वर महानदी भुवनेश्वर महानदी ये पैर गलत पैर है नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन द रिवर नागार्जुन प्रोजेक्ट कौन से नदी के ऊपर सिचुएटेड है ए तुंगभद्रा बी कावेरी सी कृष्णा एंड डी गोदावरी द राइट आंसर इज कृष्णा नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट ये कृष्णा नदी के ऊपर सिचुएटेड है थ्रू विच स्टेट डज कावेरी रिवर फ्लो कावेरी नदी कौन से स्टेट से फ्लो करती है ए गुजरात एमपी, तमिलनाडु बी कर्नाटका केरला तमिलनाडु सी कर्नाटका केरला आंध्र प्रदेश एंड डी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र तमिलनाडु इसका राइट आंसर है कर्नाटका केरला तमिलनाडु नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू ए ट्वेल्व टाइम जोन्स बी ट्वेंटी टाइम जोन्स सी ट्वेंटी फोर टाइम जोन्स एंड डी थर्टी सिक्स टाइम जोन्स द राइट आंसर इज ट्वेंटी फोर टाइम जोन्स World is divided into 24 time zones. Atmosphere exists because Atmosphere kis karan se exists karan exist a the gravitational force of the earth b Revolution of the Earth C rotation of the earth and d weight of the gases of atmosphere. The right answer is the gravitational force of the earth. द जोन ऑफ एक्सेसिवली ड्राई क्लाइमेट विथ वेरी कोल्ड टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर करस्पॉन्डेंट टू ए आर्टिक डेजर्ट्स बी टुंड्रा सी अल्पाइन मेडोज एंड डी अंटार्क्टिका मतलब ऐसा कौन सा जोन है जो कि फुल ईयर ड्राई एंड कोल्ड टेम्परेचर में रहता है द राइट आंसर इज आर्टिक डेजर्ट्स लेटराइट सोल डेवलप एज द रिजल्ट ऑफ ए डिपोजिट्स ऑफ एलिवियल बी डिपोजिशन ऑफ लुइस सी लीचिंग एंड डी कंटिन्यूड वेजिटेशन कवर। द राइट आंसर इज लीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस इनमें से कौन सी नदी इंडस नदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है ए सतलज बी झेलम सी भागीरथी एंड डी चेनाब द राइट आंसर इज भागीरथी नेक्स्ट क्वेश्चन टाइड्स इन देश आर कॉस्ड बाय ए ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून ऑन द अर्थ सर्फेस इंक्लूडिंग सी वॉटर चांद के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ओशन के टाइड्स आते हैं बी ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन ऑन द अर्थ सर्फेस ओनली एंड नॉट ऑन दी वॉटर मतलब सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ओशन के टाइट्स आते हैं सी ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड सन ऑन द अर्थ सर्फेस इंक्लूडिंग द सी वॉटर या फिर सूरज एंड चांद के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ओशन में टाइट्स आते हैं या फिर डी नन ऑफ दीज द राइट आंसर इज सी नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following statement is not true about the availability of water on the earth, the crisis of which, the crisis for which is going to increase in the year to come? इसका मतलब है कि इनमें से कौन सा statement दोहराता है कि पृथ्वी पर कितने मात्रा में पानी है और आने वाले साल में उसका crisis बढ़ने वाला है। A. About 97.5 percent of the total volume of water available on the earth is salty. 97.5 परसेंट ऑफ वाटर ये नमकीन है बी 80 परसेंट ऑफ वाटर अवेलेबल टू अस फॉर यूज कम्स इन बर्स्ट एज मानसून 80 परसेंट वाटर ये हमें बारिश की वजह से मिलता है अबाउट 2.5 परसेंट ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज पॉल्यूटेड वाटर एंड कैन नॉट बी यूज फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज 2.5 परसेंट जो अवेलेबल वाटर है वो पोल्यूटेड वाटर है जो कि ह्यूमन कंजम्पन के लिए अच्छा नहीं है या फिर डी possibility is that some big glaciers will melt in the coming 10-15 years and sea level will rise by 3.5 meters all over the earth. या फिर ऐसे भी possibility होती है जो अपने glaciers है, बर्फ है, वो melt होके उसका 10-15 to 15 years के बाद sea level का पानी बढ़ जाएगा 3.3 या फिर 4 meter तक ये कारण हो सकता है. And the right answer is D. नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंट सीजन आर फॉर्मड बिकॉज अलग अलग जो सीजन होते हैं वो किस वजह से फॉर्म हुए हैं ए सन इज मूविंग अराउंड द अर्थ सूरज पृथ्वी के अराउंड मूव करता है या फिर बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट या फिर सी बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस या फिर डी बिकॉज ऑफ अर्थ इट इज टिल्टेड इट टिल्वस अराउंड द सन या B, फिर डी ये 50 हो सकता है कि जो अपनी पृथ्वी है वो टिल्टेड गेगावैट है, और वो सन के अराउंड मूव करती है इसका राइट आंसर है डी अर्थ इज टिल्टेड अपनी पृथ्वी टिल्टेड है और वो सन के अराउंड मूव करती है इसलिए सीजंस आर फॉर्म नेक्स्ट क्वेश्चन द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ सावना कंसिस्ट ऑफ जो सावना नाम का नेचुरल वेजिटेशन है वो क्या है ए टॉल ग्रास बी स्क्रब जंगल सी शॉर्ट ग्रास या फिर डी ट्रीज द राइट आंसर इज टॉल ग्रास लंबी लंबी जो ग्रास होती है वो सावरना का प्रकार है नेक्स्ट क्वेश्चन द मच डिस्कस्ड तेहरी डैम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट तेहरी डैम प्रोजेक्ट ये कौन से स्टेट में बसा हुआ है ए एम पी मध्य प्रदेश बी राजस्थान सी हरियाणा या फिर डी उत्तरांचल द राइट आंसर इज उत्तरांचल तेहरी डैम प्रोजेक्ट ये उत्तरांचल स्टेट में बसा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन सा है ए डाल लेक बी सुखना लेक सी लोकतक लेक एंड डी वुलार लेक तो इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक वुलार लेक से जाना जाता है

ब्लैक कॉटन सॉइल्स ब्लैक कॉटन सॉइल्स को ही रेगर नाम से जाना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन वेर आर मोस्ट ऑफ द दर्थ एक्टिव वोल्केनोस वोल्केट्रेटेड पृथ्वी पे सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनोस वोल्केट्रेटेड कहां पे है ए यूरोप बी पैसिफिक ओशन सी अफ्रीका एंड डी साउथ अमेरिका इसका राइट right आंसर है पैसिफिक ओशन पैसिफिक ओशन में पृथ्वी पे सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनोस कॉन्सेंट्रेटेड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल कैन बी इंक्रीज by growing जो मिट्टी की फर्टिलिटी होती है वो किस तरह से बढ़ाई जा सकती है ए सीरियल्स बी फाइबर क्रॉप्स सी लेग्यूम्स या फिर डी रूट क्रॉप्स इसका राइट right आंसर है लेग्यूम्स लेग्यूम्स से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाई जा सकती है द कूलेस्ट प्लेस ऑन अर्थ इज पृथ्वी पे सबसे ठंडा जगह कहां पे है ए लीफेक्स बी शिकागो सी सियाचिन एंड डी बर्खोयांस्क जो कि अंटार्क्टिका में है द राइट आंसर इज वर्खोयांस वर्खोयांस ये रशिया के खंड में पाया जाता है और यह पृथ्वी का सबसे ठंडा जगह माना जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेय ऑफ द रिवर डैम प्रोजेक्ट एंड द स्टेट इन विच इट इज लोकेटेड इज नॉट करेक्ट इनमें से कौन सा रिवर डैम प्रोजेक्ट और उसका स्टेट रॉन्ग है ए गांधीनगर मध्य प्रदेश बी तुंगभद्रा तमिलनाडु सी भाकरानंगल एंड पंजाब डी हिराकुंडाइट आंसर इज तुंग तमिलनाडु दिस पेग पेर वेन डज द मून कम बिटवीन द सन एंड द अर्थ मून सन और अर्थ के बीच में कब आता है कौन से पीरियड में आता है ए लूनर इक्लिप्स बी सोलर इक्लिप्स सी साइड रियल डे एंड डी फुल मून डे द राइट आंसर इज सोलर इक्लिप्स सोलर इक्लिप्स के दौरान मून सन एंड अर्थ के बीच में आता है टर्पेंटाइन ऑयल यूज इन मेडिसिन इज ऑप्टेन फ्रॉम टर्पेंटाइन ऑयल जो कि मेडिसिन में अवेलेबल होता है वो कहां से ऑप्टेन किया जाता है ए एकेशिया बी शिरपिन सी मायरो बैलेंस एंड डी कुसुम द राइट आंसर इज शिरपेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड स्ट्रीम कोल्ड स्ट्रीम किसे कहा जाता है ए क्यूराशिया बी लैब्रेडर, सी गल्फ ऑफ स्ट्रीम एंड डी हुकाना हटाता द राइट आंसर इज लैब्रेडर. लैब्रोडोर को ही कोल्ड स्ट्रीम से नाम से ही जाना जाता है सोलर इक्लिप्स टेक्स प्लेस वेन सोलर इक्लिप्स कब होता है द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ जब मून सन एंड अर्थ के बीच में आता है या फिर द अर्थ द अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड द मून या फिर पृथ्वी सन एंड मून के बीच में आ जाती है सी द सन कम्स बिटवीन द मून एंड द अर्थ जब सूरज पृथ्वी और मून के बीच में आ जाता है या फिर नन ऑफ द राइट आंसर इज द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ जब मून सन एंड अर्थ के बीच में आता है तभी उसे सोलर इक्लिप्स कहा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड में सबसे छोटा ओशन कहाँ पे है या फिर किसे कहा जाता है ए पैसिफिक, बी इंडियन सी एटलांटिक या फिर डी आर्कटिक। द राइट आंसर इज आर्कटिक। आर्कटिक ओशन ये वर्ल्ड का सबसे छोटा ओशन माना जाता है ूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर इच ऑफ द ईयर एट ग्लोबल लेवल इज पब्लिश बाय ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि हर साल आता है ग्लोबली वो कौन पब्लिश करता है यू एन डी पी डब्लू टी ओ आई एम एफ या फिर वर्ल्ड बैंक द राइट आंसर इज यू एन डी पी यू एन डी पी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि हर साल आता है वो ग्लोबली पब्लिश करता है द स्लोगन अ ट्री फॉर ईच चाइल्ड वॉज कॉइंड फॉर thank you for today's session a, hope you all social are doing good. forestry program b clear air program c soil conservation program and d environmental protection program the right answer is environmental protection program a tree for each child yes slogan environmental protection so program. thank you for today's session let's meet up in next mock test series which of the following is not a major of human development index इनमें से कौन सा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मेजर नहीं है ए लिटरेसी रेट बी ग्रॉस इनरोलमेंट रेट सी सेक्स रेशियो या फिर डी लाइफ एक्सपेक्टेंसी द राइट आंसर इज सेक्स रेशियो ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में लिटरेसी रेट ग्रॉस इनरोलमेंट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये इंक्लूडेड होता है लेकिन सेक्स रेशियो इंक्लूडेड नहीं होता मीना माता डिजास्टर इन जापान वॉज कॉज्ड बाई पोल्यूशन ड्यू टू मिनामटा डिजास्टर जो पॉल्यूशन के द्वारा जापान में डिजास्टर आया था उसका कारण क्या था ए लीड बी मर्क्यूरी सी कैडमियम या फिर डी जिंक द राइट आंसर इज मर्क्यूरी नेक्स्ट क्वेश्चन एट प्रेजेंट इन टर्म ऑफ पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पन किलोवेट पर ईयर आइडेंटिफाई द करेक्ट सिक्वेंस कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन जो कि किलो वैट पर ईयर है उसके हिसाब से हमें करेक्ट सिक्वेंस लगाना है ए ब्राजील फिर रशिया चाइना इंडिया बी रशिया फिर चाइना इंडिया ब्राजील सी रशिया चाइना ब्राजील एंड देन इंडिया डी चाइना रशिया ब्राजील इंडिया द राइट आंसर इज पहले रशिया फिर चाइना फिर ब्राजील एंड लास्ट में इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैव स्पेसिफिक टारगेट टू बी अचीव्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक टारगेट है इंडियन गवर्नमेंट्स टारगेट फॉर प्रोड्यूसिंग पावर फ्रॉम बायोमास बाय द ईयर 2022 इज इंडियन गवर्नमेंट का एक टारगेट है पावर प्रोड्यूस करना जो कि बायोमास के द्वारा किया करने वाले हैं बाई टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ये कितना है ए फिफ्टी मेगावैट ट्वेंटी फाइव मेगावैट फिफ्टीन मेगावैट या फिर टेन मेगावैट द राइट आंसर इज टेन मेगावैट इंडियन गवर्नमेंट टारगेट फॉर पावर प्रोडक्शन फ्रॉम स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट बाई द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इज इंडियन गवर्नमेंट का पावर प्रोडक्शन का जो टारगेट है बाय हाइड्रो प्रोजेक्ट स्मॉल हाइड्रोडे प्रोजेक्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ये कितना है ए वन गीगा फिर डी फिफ्टीन गिग्रेट द राइटर इज फाइव गिगाइंग कॉन्फ्रेंसेस या फिर सबमिट इज ऑल्सो नोन एज यू एन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यू एन सी एस टी इनमें से कौन सा कॉन्फ्रेंस या फिर सबमिट जो कि यू एन यू एन सी एस टी के नाम से भी जाना जाता है ए स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस नाइनटीन सेवेंटी टू बी द रियो जेनेरियो कॉन्फ्रेंस नाइनटीन नाइन टू सी द जॉन्सबर्ग सम्मिट टू थाउजेंड टू या फिर डी द रियो प्लस ट्वेंटी कॉन्फ्रेंस टू थाउजेंड ट्वेल्व द राइट आंसर इज द रियो प्लस ट्वेंटी कॉन्फ्रेंस टू थाउजेंड ट्वेल्व इसको यूएनसीएसडी नाम से भी जाना जाता है द टारगेट सेट बाई इंडियन गवर्नमेंट फॉर पावर फ्रॉम रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन बाय द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इज इंडियन गवर्नमेंट का पावर प्रोडक्शन जो कि रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन है वो टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टारगेटेड है वो कितना है ए फोर्टी पॉइंट जीरो गेगा वैट बी फिफ्टी पॉइंट जीरो गेगा वैट एंड सी सिक्सटी पॉइंट जीरो गेगा वैट या फिर डी हंड्रेड गे का वैट द राइट आंसर इज हंड्रेड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रायोरिटी एरियाज इन रिलेशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इनमें से कौन से प्रायोरिटी एरियाज में आते हैं रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नो पॉवर्टी जीरो हंगर रिड्यूसिंग अर्बनाइजेशन पीस जस्टिस एंड स्ट्रोंग इंस्टीट्यूशन ए वन टू थ्री बी वन थ्री फोर सी टू थ्री फोर या फिर डी वन टू एंड फोर द राइट आंसर इज डी वन टू एंड फोर नो पॉवर्टी जीरो हंगर पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन ये प्रायोरिटी बेसिस पे आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ए यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस मिनिमली नेचुरल रिसोर्स का मिनिमली यूज़ करना बी यूज़ ऑफ़ नेचुरल रिसोर्स फॉर आवर बेनिफिट नैचुरल रिसोर्स का अपने खुद के बेनिफिट के लिए यूज़ करना यूज़ ऑफ़ नेचुरल रिसोर्स जुडिशली सो दैट दे आर अवेलेबल फॉर फर्दर जनरेशन नेचुरल रिसोर्स का इस तरह से इस्तेमाल करना जो कि आने वाले जनरेशन को भी उसका बेनिफिट मिले या फिर डी प्रिजर्व आवर नेचुरल रिसोर्स फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन या फिर नेचुरल रिसोर्सेस को प्रिजर्व करना जो कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन को काम आ सकता है इसका राइट right आंसर है सी यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जुडिशियली सो दैट दे आर अवेलेबल फॉर फर्दर जनरेशन आइडेंटिफाई द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या क्या आते हैं जीरो हंगर क्वालिटी एजुकेशन यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन ग्रीन एग्रीकल्चर क्लाइमेट एक्शन सो इसमें से एक्सक्लूड कर लेते हैं पहले जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में नहीं आता वो है यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन एंड ग्रीन एग्रीकल्चर जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है तो बचता है फर्स्ट सेकेंड फोर्थ एंड सिक्स द राइट आंसर इज डी विच ऑफ़ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंटिस्ट हैज़ बीन गिवन इन एन ऑर्डर क्रोनोलॉजिकली इनमें से कौन से ग्रुप्स क्रोनोलॉजिकली है जो कि इलेक्ट्रॉनिक साइंटिस्ट के नाम से आते हैं ए गुगलिलो जी मोर्कनी ल्यूमियर ब्रदर्स ली फॉरेस्ट जॉन फ्लेमिंग एंड जॉन लॉजिबेट बी जॉन लेजीबेड ल्यूमियर ब्रदर्स गुगलिलमो ली फॉरेस्ट एंड जॉन फ्लेमिंग या फिर सी ली फॉरेस्ट जॉन फ्लेमिंग लुमियर ब्रदर्स गुगलिल मो मोरोनी एंड जॉन लोजी बेड डी लुमियर ब्रदर्स मो, ली फॉरेस्ट जॉन फ्लेमिंग एंड जॉन लोजी इसका राइट आंसर है डी पहले लुमियर ब्रदर्स फिर मो जी मोरकोनी फिर ली फॉरेस्ट जॉन फ्लेमिंग एंड जॉन लेजी बेड द प्लैनेट्स आर केप्ड इज मोशन इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स बाय द जो प्लैनेट्स है वो मोशन करते हैं किस वजह से ए रोटेशन ऑफ द सन ऑन इट्स एक्सिस बी ग्रेविटेशन एंड सेंट्रीफ़्यूगल फोर्सेस सी ग्रेट साइज एंड स्पेरिकल शेप डी रोटेशन एंड डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट्स। द राइट आंसर इज ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस इसकी वजह से प्लैनेट्स मूव करते हैं मोशन करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज वेरी हार्ड टू कल्टिवेट इनमें से कौन सा सॉइल हार्ड होता है कल्टीवेशन के लिए ए एलोवियल बी रेड सॉइल सी ब्लैक सॉइल एंड डी सैंडी सॉइल द राइट आंसर इज रेड सॉइल रेड सॉइल ये हार्ड होता है कल्टीवेशन के लिए एटमोस्फेरिक प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अर्थ इज ड्यू टू ए रोटेशन ऑफ अर्थ बी रेवल्यूशन ऑफ अर्थ सी ग्रेविटेशनल पुल एंड डी अनइवन हीटिंग ऑफ द आर्थ एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है जो एग्ज होता है पृथ्वी पे वो किस कारण से होता है द राइट आंसर इज ग्रेविटेशनल पुल द सदर्न टिप ऑफ इंडिया इज पृथ्वी का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है ए केप ऑफ कैमोरिन बी पॉइंट कैलिमेर सी इंदिरा पॉइंट इन निकोबार आइलैंड डी कोवलम इन त्रिवंद्रम द राइट आंसर इज इंदिरा पॉइंट इन निकोबार आइलैंड ये पृथ्वी का सबसे सदन पॉइंट है इन डिटरमाइंग द इंडियन क्लाइमेट इंडियन क्लाइमेट को डिटरमाइन करने के लिए मेजर रोल प्लेड बाय हिमालयाज हिमालयाज ने बहुत बड़ा योगदान दिया है वो क्या है द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ ग्रेट हिमालय डज नॉट परमिट द समोर मानसून ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन जो है ग्रेट हिमालय का वो समोर मानसून को परमिट नहीं करता क्रॉस करने के लिए एंड इंडिया और वो इंडिया में आने के लिए रेस्ट्रिक्ट करता है बी डायरेक्ट समर मानसून टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट या फिर डायरेक्ट समर मानसून जो कि नॉर्थ वेस्ट एरिया में होता है सी ड्यूरिंग द विंटर दे स्टॉप द साउथ वर्ड पेनेट्रेशन ऑफ द कोल्ड एंड ड्राई पोलर एयर या फिर डी ऑल ऑफ द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दारे ही कारण होते हैं हिमालय को मेजर रोल प्ले करने में इंडिया का क्लाइमेट सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ मॉक टेस्ट सीरीज द रॉक मटेरियल कैरीड बाय अ ग्लेशियर इज कॉल्ड जो रॉक मटेरियल होता है ग्लेशियर से कैरी होता है वो उसे क्या कहा जाता है ए एल्वियम बी मीडर्स सी नोड्यूल्स या फिर डी मोरेन्स इसका राइट right आंसर है मोरेंस सो थैंक यू फॉर टुडेज मॉक टेस्ट सीरीज आई होप यू ऑल आर डूइंग हर रोज अपने मॉक टेस्ट रहेंगे आप प्लीज अटेंड कीजिए आपके लिए बहुत बेहतर है आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत बेहतर है हर रोज आपका हर एक अलग अलग यूनिट पे आपका मॉक टेस्ट रहेगा आप जितना ज्यादा मॉक टेस्ट अटेंड करोगे आपका प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आपके एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सो थैंक यू फॉर टुडेज सेशन लेट्स मीट इन द नेक्स्ट मॉक टेस्ट सीरीज